नमस्कार दर्शकों, मैं किंजल कौर दवन न्यूज में हाजिर हूँ नई खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कपराड़ा में हुए सड़क हादसे में दो बाइक चालक की हुई दर्दनाक मौत। वापी में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु समर्पण निधि अभियान का हुआ शुभारंभ। बलसाड़ के फलतरा गांव में बाइक धोकर पैर धोने गए तो बच्चों की हुई मौत। शंघ प्रदेश दमण में भी श्री राम मंदिर निर्माण हेतु समर्पण निधि अभियान का हुआ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार। कपराड़ा मोटापोंडा हाईवे पर टेम्पो और बाइक के बीच एक बड़ा हादसा होते दो बाइक चालक की घटनास्थल पर ही हुई मौत। कपराड़ा तहसील के मोटापोंडा नेशनल हाईवे नंबर 56 पर अंबा माता जी के मंदिर के सामने एक टेम्पो और एक पल्सर बाइक नंबर JJ15DV7016 के बीच एक बड़ी दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में पीयूष भाई नरेश भाई पटेल और अनिश भाई राजेश भाई पटेल दोनों मोटापोंडा जारफलिया के निवासी हैं और दोनों की इस घटना में घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। उल्लेखनीय बात तो यह है कि मोटापोंडा नेशनल हाईवे नंबर 56 पर ऐसी बड़ी दुर्घटना होते एक अनजान टेम्पो चालक वहां से टेम्पो लेकर फरार हो गया था। इस घटना अंतर्गत नानापोंडा पुलिस को जान होते ही पुलिस फौरन ही घटनास्थल पर आ पहुंची थी और दोनों मृतक युवाओं की बॉडी को कब्जे कर नानापोंडा रेफरल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और इस दुर्घटना अंतर्गत आगे की कार्यवाही पुलिस ने शुरू कर दी है। वलसाड़ जिला के वापी में भी आज से अयोध्या में निर्माण हो रहे भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के समर्पण निधि अभियान का हुआ प्रारंभ। वलसाड़ जिला में भी आज से अयोध्या में निर्माण हो रहे भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के लिए मंदिर समर्पण निधि अभियान शुरू किया गया। विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदू संगठनों द्वारा देश भर में शुरू हुए इस अभियान अंतर्गत आज वलसाड़ जिला में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं साथ ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के सहयोग से निधि अभियान शुरू किया गया। इस अभियान की शुरुआत वापी के भगवान श्री राम निर्माण निधि सहयोग अभियान वापी मध्यस्थल कार्यालय पर पहुंचे वलसाड़ जिला के भाजपा अग्रणी धारा सभ्य और सांसद ने भी सहयोग विधि में अपना सहयोग दिया। प्रथम दिवस पर अभियान की शुरुआत राज्य के वन और आदिजाति मंत्री रमनलाल पाटकर, वलसाड़ डांग के सांसद डॉक्टर केसी पटेल, वलसाड़ जिला के भाजपा धारा सभ्य कनुभाई देसाई, जितुभाई चौधरी और भरत पटेल ने भी भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए संयुक्त निधि अर्पण की थी। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठनों, स्वयं सेवकों और अग्रणी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। इस अवसर पर संयोग निधि अर्पण करते भाजपा धारा सभ्य और सांसद ने लोगों से भी यथाशक्ति अनुसार मंदिर निर्माण कार्य में सहयोग अर्पण करने के लिए अपील की थी। इसी तरह वलसाड़ जिला में भी आज से शुरू राम मंदिर निर्माण सहयोग निधि अभियान हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं आगामी दिवसों में लोगों के घर घर जाकर लोगों के पास से यथाशक्ति अनुसार मंदिर के लिए सहयोग के लिए उनके डोर खटखटाएंगे। इस अभियान अंतर्गत स्वयं सेवकों, वलसाड़ जिला और शंघ प्रदेश दमण और दादर नगर हवेली के 500 से भी अधिक गांवों में जाकर लोगों के घर घर तक पहुंचकर मंदिर निर्माण कार्य के लिए फंड इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा हुए रकम को पारदर्शक रखने के लिए हर दो दिन में बैंक में इस रकम को जमा कर दिया जाएगा। इस तरह एकत्रित हुए सहयोग विधि के समर्पण पारदर्शक रहे इसलिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज ये अभियान की शुरुआत की जा रही है। पूरे भारतवर्ष में करीबन 5,80,000 ग्रामों में हम और हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, एक एक हिंदू परिवार से संपर्क करेंगे और उनसे निधि संग्रह का निधि समर्पण लिया जाएगा। वलसाड़ शहर, वलसाड़ जिला में वापी ये शुरुआत आज वापी नगर से की गई है। माननीय सांसद श्री, विधायक श्री और माननीय मंत्री जी आदि ने अपना समर्पण दिया है। हम भी, हमारे कार्यकर्ता आपके घर पर आएंगे। 568 गांव में दमन सिलवास मिलाकर 568 गांव में एक एक घर को संपर्क करने की हमारी योजना है। कभी कुछ हो कि हम आप तक नहीं पहुंच पाए तो हमारे कार्यकर्ता ये स्थल है बलेठा में हमारा कार्यालय है, आप भी यहां पर आकर संपर्क कर सकते हैं और अपना समर्पण यहां पर दे सकते हैं। करीबन 500 वर्ष के संघर्ष के बाद आज वो अवसर आया है कि राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई है और बहुत जल्दी बहुत सुंदर बहुत भव्य राम मंदिर हम अयोध्या में देखेंगे। आज राम जन्मभूमि निधि समग्र गुजरात ने अंदर
तमाम धारासभ्य, तमाम MP, माननीय मंत्री श्री बधाज राम जन्मनिधि में सहाय करवाना छे। तेना साथे आ एक राम जन्मभूमि नहीं, आ एक राष्ट्र निर्माण है, समग्र राष्ट्र ने विश्व निर्माण है राम जन्मभूमि, कि जेनी 500-700 वर्ष सुधी सतत विवाद अने लड़ाई में रहू। जयरे खरेखर भारत देश वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी साहेब जयरे वडाप्रधान बन्या है त्यारे राम जन्मभूमि निर्माण थई रह्यु छे, त्यारे एने हूँ चौक्कस कहीश कि जन जन दरेक भारत ना दरेक भारत देश ना नागरिक ना अंतर आत्मा ने दरेक व्यक्ति ने एवी लागणी छे कि मारे पण कहीं आपवू जोईए, मारे पण कहीं आपवू छे। ज्यारे एक सामान्यमां सामान्य नानामां नानो माणस अने नानामां नानो नागरिक एक 10 रुपया आथी લઈને 100 રૂપિયા 1000 રૂપિયા જેની પછી જેવી શક્તિ તેવી, પણ એક એક વ્યક્તિનો ફાળો લઈને, બાકી કદાચ એવું પણ બની શકે કોઈ એક ઉદ્યોગપતિ એમ કે હું જ મંદિર બનાવી દઉં, પણ ના, એ વિષય નથી, આ રાષ્ટ્ર નિર્માણ છે, દરેક વ્યક્તિ નાના મોટાના સહયોગથી મંદિર બનાવવાનું છે અને મંદિર નિર્માણ થવાનું છે। જય જય શ્રી રામ બોલતા જ સમગ્ર હિન્દુ સમાજ એક રોમાંચ અનુભવે છે, અને હું એટલું ચોક્કસ કહીશ કે આજની જે પેઢી છે એ એટલી નસીબવંતી છે કે એમના ભાગ્યમાં લખ્યું છે કે રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ, કે જે દરેક હિન્દુના આરાધ્ય દેવ છે, આપણે જન્મીએ કે આપણું મૃત્યુ થાય રામ નામથી જ શરૂઆત થાય છે, એવા રામના માટેનું જે ભવ્ય રામ મંદિર અયોધ્યા ખાતે બનવા જઈ રહ્યું છે, જ્યાં રામલલ્લાનો જન્મ થયો હતો, અને દરેક કોર્ટે અને દરેક લોકોએ પ્રેમથી સ્વીકારીને, દરેક સમાજે સ્વીકારીને, અત્યારે આપણી નરેન્દ્રભાઈની સરકાર જે આગળ વધી રહી છે, દરેક હિન્દુ સમાજ એમાં આપણે RSS રાષ્ટ્રીય સેવક સંઘ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને સમગ્ર પરિવાર જે રીતે સાથે રહીને એક મિશન તરીકે આગળ ચાલી રહ્યા છે, એ આપણા સૌના મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ માટે એક સૌનું જે સમર્પણ છે, અને એ સમર્પણ માટે આ જે કાર્ય થઈ રહ્યું છે, એ સમર્પણ એટલે આપણને એનું પુણ્ય મળે એના માટે આપણે આ કાર્ય કરવાનું છે। સમાજના દરેક વર્ગને, સમાજના દરેક વ્યક્તિને અને દરેક હિન્દુને હું કહું છું કે આમાં આપણે આપણો અમૂલ્ય ફાળો આપવો જ જોઈએ, આપણે જે આપી શકીએ એનું મહત્તમ આપવું જોઈએ, અને એ રીતે જ આપણે આપણા રામજીને આપણી સાથે જીવન પર્યંત રાખી શકીશું। વલસાડ કે ફલત્રા ગામ મે બાઇક ધોકર પેર ધોને ગયે તો બચ્ચો કો ડૂબ જાતે ઘટના સ્થળ પર હોઈ મોત। વલસાડ તહેસીલ કે ફલત્રા ગામ મે સ્થિત કાવલી ખનકી મે બાઇક ધોકર પેર ધોને ગયે તો બચ્ચો કે પેર સ્લિપ હો જાતે વે વહી ડૂબ ગયે થે। બચ્ચો કે સાથ ગયે ગુલાબભાઈ પટેલ ને બચ્ચો કો બચાને કે લિયે ખૂબ પ્રયત્ન કિયે થે। ગુલાબભાઈ કો તૈરના નહીં આતા થા, ઇસકે બાવજૂદ ભી ઉન્હોને કિનારે સે બચ્ચો કો બચાને કા ખૂબ પ્રયત્ન કિયા થા। સ્થાનિક લોકો કો જબ ઇસકે બારે મે પતા ચલા તો વે ફૌરન હી ઘટના સ્થળ પર આ પહોંચે થે ઓર દોનો બચ્ચો કો પાણી સે બહાર નિકાલને કે લિયે ખૂબ પ્રયત્ન કિયા થા। તબ 108 એમ્બ્યુલન્સ ટીમ કી મદદ લેકર બચ્ચો કો ધરમપુર સ્ટેટ અસ્પતાલ મે ભરતી કરવાયા ગયા થા, જહાં હાજર ડોક્ટર ને બચ્ચો કો મૃત ઘોષિત કર દિયા થા। ये घटना बीते कल देर शाम को घटित हुई थी। घटना अंतर्गत समग्र फलत्रा गांव में शोक का माहौल छा गया है। संघ प्रदेश दमण में भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान का हुआ शुभारंभ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान की शुरुआत दमण प्रदेश में हो गई है, जिसका कार्यालय का शुभारंभ आज मशाल चौक नानी दमण पर किया गया था। श्री राम जन्मभूमि निर्माण अभियान वलसाड जिला के श्री संतोष भाई सोलंकी एवं श्याम भाई रावल विशेष रूप से उपस्थित रहे थे। नानी दमण प्रदेश की समिति के प्रमुख उज्ज्वल भाई पटेल, सह प्रमुख चिराग भाई पाठक, अभियान के वाली, अभियान संयोजक सुरेश भाई तिवारी, कोषाध्यक्ष राजन भाई कमली, साहित्य प्रमुख मृगेश भाई उपाध्याय, प्रचार प्रमुख जिगर भाई पटेल, कार्यालय प्रमुख छगन भाई साठे, दमण प्रदेश के पुराने कार्यकर्ता हरीश भाई धूमरे, किरण भाई प्रजापति, मुकुल भाई राणा, नगीन भाई कारलिया, प्रमोद भाई दमणिया, रमेश भाई पाशमी, कनुभाई पटेल, जितेंद्र भाई पाल उपस्थित रहकर कार्य को सफल बनाया था। कि हम हमारी मूल सनातन विधा को भूलते चले गए और भूलते भूलते आज हम अपने आप का परिचय तो ही सिर्फ याद रख पा रहे हैं ये भी निश्चित नहीं है। भगवान श्री राम को उनके गुरुदेव ने
एक श्लोक के माध्यम से सिखाया। लगभग 500 वर्ष ना संघर्ष बाद अने लगभग 2 लाख थी वधारे हिंदू समाज ना बलिदान बाद आजे आ सोनेरी दिवस आयो छे अने भारत में भव्य राम मंदिर निर्माण थवाना माटे तैयारी चली थई गई छे। तो आ भव्य राम मंदिर बनावा माटे समग्र हिंदू समाज एकत्रित थईने निधि एकत्रित करीने आ मंदिर नु निर्माण थाय एवी हिंदू समाज की लागणी छे। आ हेतु सर अने आना अभियान माटे भारत में दरेक प्रांत में दरेक जिल्ला में दरेक तालुका में आ प्रकारना कार्यालय उभा थया छे। एमांथी आजे दमण में अपना मध्यस्थ कार्यालय शुभारंभ करवामां आव्यो छे। आ समर्पण अभियान अंतर्गत दमण में दमण ने 4 विभाग में विभाजित करवामां आव्यु छे। दमण नगर, मोटी दमण मंडल, नानी दमण मंडल अने दाभेल मंडल, चारे 4 विभागना अलग अलग दायित्ववान कार्यकर्ताओं ने इमने काम सौंपवामां आव्यु छे, एमनी टोळी बनावामां आवी छे। कपराड़ा के जोगई गांव के पास ड्राइविंग के दौरान कंटेनर चालक को नींद आ जाते आम के पेड़ से टकराने पर चालक की हुई दर्दनाक मौत। पुणे महाराष्ट्र से 4-व्हीलर कार का सामान भरकर अहमदाबाद गुजरात की तरफ जा रहे थे तब ट्रक नंबर HR47C9882 का चालक दयाल सिंह जो कि अलवर का निवासी हैं, वो रात्रि के 10 बजे कपराड़ा के नाना पोंडा से आ रहे मुख्य मार्ग पर तेज गति से गुजर रहे थे। तब चोगवेल के घाट उतरते टर्निंग वाले रास्तों पर सामने स्थित आम का पेड़ न दिखाई देते पेड़ से जोरदार टक्कर मार देते ट्रक में रखा माल सामान बिखर गया था और ट्रक के कंटेनर 2 हिस्से में बट गया था। इस घटना में कैबिनेट में फंसे ट्रक चालक को गंभीर रूप से चोटें लगते उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। घटना की जान आसपास के लोगों को होते हुए फौरन ही घटनास्थल पर आ पहुंचे थे और पुलिस को जानकारी देते पुलिस भी फौरन ही घटनास्थल पर आ पहुंची थी। उल्लेखनीय बात तो ये है कि पिछले लंबे समय से इस मार्ग पर दुर्घटना की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस मार्ग पर पिछले 6 माह में 10 से भी अधिक ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसमें लोगों ने अपनी जान गुमा दी है। इसके बावजूद भी तंत्र यहाँ पर कोई कदम नहीं उठा रहा जिसकी वजह से लोग यहाँ पर अपना जीवन दाव पर लगाकर यहाँ से गुजर रहे हैं। जैसे अहमदाबाद जा रहा था और इसमें गाड़ी का पार्ट भरा हुआ था, ये हुआ 10 के बजे समथिंग थी टाइम और गाड़ी घाट से नीचे उतर रही थी तो पता नहीं नींद आई कि क्या हुआ उस टाइम, मैं तो था नहीं, देखने वाले बता रहे हैं गाड़ी पेड़ से टकराया और उधर ही उसकी डेथ हो गई। दयाल सिंह कहाँ का रहने वाला? ये अलवर सूर्यनगर का। पार्टी चंद्रपुर पार नदी के पुराने पुल पर अब रेलिंग लगाकर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा देने चाहिए, ऐसी स्थानिकों में मांगे उठ रही हैं। लोग यहां अतुल से अपने वाहन लेकर आते हैं और इस पुल पर हवा खाने आते हैं और पार नदी के बीच पुल पर बैठकर कई बड़ी दुर्घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। ऐसी ही कुछ घटना बीते कल घटित हुई है।
कल सभी मकर संक्रांति का पर्व मना रहे थे, तब रात के 8 बजे अचानक मुकुंद विस्तार में अतुल में रहते सुनील भाई पटेल नामक शख्स पार नदी के पुराने पुल पर आए थे और पुल पर से पार नदी के गहरे पानी में मौत की छलांग लगा दी थी। इस घटना की जान नजदीक के चंद्रपुर में रहते मांगेला लाइफ सेवर ग्रुप को होते ग्रुप के सभ्यों ने फौरन ही घटनास्थल पर आकर बोट लेकर पार नदी के गहरे पानी में सुनील भाई पटेल को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, मगर रात के 12 बजे तक ढूंढने के बावजूद भी वे उनको ढूंढ नहीं पाए थे। तब आज रोज सुबह शुक्रवार को सुबह से ही वापस उन्होंने उन्हें ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर देते। दोपहर को सुनील भाई का मृतदेह पानी में तैरता हुआ मिला था, तब इस घटना अंतर्गत समग्र विस्तार में शोक का माहौल छा गया है और अब स्थानिकों की मांग को ध्यान में रखकर इस पुल पर रेलिंग लगाने का सोचकर पुलिस ने इस घटना अंतर्गत आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। वलसाड़ जिला के कोरवाड़ा के पास बस और बाइक चालक के बीच दुर्घटना होते बाइक सवार और बस में सवार 3 यात्रियों की हालत गंभीर। वलसाड़ के कोरवाड़ा के पास खेरगांव की तरफ जा रही बस नंबर GJ18Z3361 के साथ खेरगांव से वलसाड़ की तरफ आ रही स्प्लेंडर बाइक नंबर GJ21AP8593 जो कि विमल पटेल नामक शख्स खेरगांव से आ रही कार को ओवरटेक करते वलसाड़ से आ रही बस के साथ एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया था। बस चालक बाइक चालक को बचाने जा रहे थे, तब बस रास्ते के नीचे उतर गई थी जिसमें बाइक सवार तथा बस में सवार 3 यात्रियों को गंभीर रूप से चोट लगी थी और उन्हें फौरन ही 108 में वलसाड़ के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। વાન વાળો હતો તેને બાઇક વાળો ઓવરટેક કરવામાં આમ બસને લાગી હા અને કેટલા યાત્રીઓ હતા 10 યાત્રીઓ હતા એમાંથી કોઈને વાગ્યું છે એક ભાઈને થોડું પગમાં વાગ્યું મકર સંક્રાંતિ કે પર્વ પર વાપી ગુંજર સ્થિત વર્ધમાન સેવા મંડળ દ્વારા પક્ષીઓ કે લિયે 2 દિન કે ટ્રીટમેન્ટ કેમ્પ કા કિયા ગયા આયોજન મકર સંક્રાંતિ કો લેકર પક્ષીઓ કે લિયે વાપી ગુંજર પર સ્થિત पुलिस मथक के बाजू में वापी फॉरेस्ट विभाग के सहयोग से वर्धमान सेवा मंडल द्वारा कैंप आयोजन किया गया था, जहां उत्तरायण में पतंग उड़ाए जाते हैं वहीं उन पतंग के धागों से पक्षियों फंस ना जाएं और उनको छोटी मोटी चोटें ना लगे इसलिए पक्षियों के ट्रीटमेंट के लिए यहां 2 दिन का कैंप का आयोजन किया गया था। जो वापी मुकाम खाते करुणा अभियान 2021 में पशुपालन खातु और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साथ साथ वर्धमान सेवा मंडल टिंकू मेमोरियल ट्रस्ट सहयोग थी आज 14 જાન્યુઆરી અને 15 જાન્યુઆરી 2 દિવસ આ કેમ્પનું આયોજન કરેલું છે તો સમગ્ર જનતાને નમ્ર નિવેદન છે કે આ કેમ્પનો લાભ ઉઠાને બને ત્યાં સુધી એક અવેરનેસ લાવવાની અંદર કે ભાઈ જે ચાઇનીઝ દોરી છે એનો ત્યાગ કરીએ અને જે આપણા રેગ્યુલર માંજા છે તેનો ઉપયોગ કરીએ અને બને ત્યાં સુધી પશુ પક્ષીનું ધ્યાન રાખીએ અને એ રીતે આપણે સારો પર્વ છે એને આપણે તહેવારને સારામાંથી ઉજવી શકીએ વસ્તુ આપણે આ દોરીથી છે ને કબૂતરને ખાસ્સા નુકસાન થાય છે કબૂતરની સાથે સાથે બીજા પક્ષીઓ જેનું આપણે જતન કરવાનું છે એ લોકોને બી બહુ હાનિ થાય છે તો જિંદગીભર એ લોકો ઉડી નથી શકતા એ લોકો તો એક નમ્ર નિવેદન છે કે તહેવાર સારી રીતે અને કોઈને બી હાનિ ના થાય તેવી રીતે આપણે ઉજવવાની ટ્રાય કરીએ આપણે એની અંદર અને અગર આ બર્ડને કોઈને બી કંઈ રેસ્ક્યુ કરવાનું હોય કે કોઈ ઇન્જર્ડ હોય તો આપને એક નંબર આપું છું 9825055221 આના ઉપર કોલ કરી શકો છો 9824137970 આ બંને નંબર પર આપ કોલ કરી શકો છો તો અમારે ત્યાંથી વોલેન્ટિયર આવી અને એને રેસ્ક્યુ કરી અને ટ્રીટમેન્ટ આપી દેશું અમે લોકો જય જયેન્દ્ર ખાસ વાપીની દરેક જનતાને જણાવવાનું કે આ એક અમે કરુણા અભિયાન 2001થી ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ અને વાપીના વર્ધમાન સેવા મંડળ સહયોગથી અમે ચાલુ કર્યું છે લગભગ 11મું વર્ષ છે અમારું આ અને પબ્લિકનો બી બહુ સારામાં સારો અમને સહયોગ મળ્યો છે અને અમે અહીંયાથી લગભગ ચણોદ સુધી વાપીથી આ બાજુથી વાપી ટાઉનમાં ચાલા સુધી આ બાજુ કોપરલીના એન્ડ સુધી અને જીઆરડીસીના બધા સરાઉન્ડિંગ એરિયામાં કોઈ પણ જગ્યાએ કોલ આવે છે અમારા યુવાનો તરત જઈ અને કબૂતરને બચાવે છે લાસ્ટ યર અમે લગભગ 39 કબૂતરો બચાવ્યા હતા અને સારામાં સારો પબ્લિકનો બી રિસ્પોન્સ મળ્યો છે અને જનતામાં બી સારામાં સારો અવેરનેસ આવી છે દરેક પબ્લિક અમને ખાસ પૂરેપૂરો સહયોગ આપે છે વલસાડ જિલ્લા કે વાપી તહેસીલ મે કાશીબેન ટ્રસ્ટ દ્વારા ગરીબ ઓર જરૂરિયાતમંદ લોકો કે લિયે નિશુલ્ક ટિફિન સેવા કા હુઆ પ્રારંભ વાપી હરિયા પાર્ક મે સ્થિત કાશીબેન ટ્રસ્ટ દ્વારા વાપી ઓર આસપાસ કે વિસ્તારો કે ગરીબ ઓર લાચાર લોકો કે લિયે ફ્રી ટિફિન સેવા 15 जनवरी से शुरू की जा रही है जिसमें काशीबेन ट्रस्ट द्वारा गरीब लोगों और बुजुर्ग इंसान जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और ज़रूरतमंद हैं ऐसे लोगों के लिए फ्री टिफिन सेवा का लाभ मुफ्त में दिया जाएगा। ट्रस्ट में अमे जे सीनियर सिटीजन है उम्र लायक व्यक्ति है
કે જેને જમવાની બહુ તકલીફ છે એ લોકોને અમે, અને ગરીબ છે એ લોકોને અમે ફ્રીમાં ટિફિન આપશું. અને ઘણા એવા સિનિયર સિટીઝન છે કે જે લોકો પાસે બધું છે પણ કરવાવાળું કોઈ નથી, તો એ લોકોને એક ટાઈમ પેટ ભરીને જમવા મળે કે જે આપણા શરીરમાં ફૂડ એન્ડ ન્યુટ્રિશન જે જવું જોઈએ એ લોકોને મળી રહે એ ધ્યાનમાં રાખીને અમે એ લોકોને ટિફિન પહોંચાડવાની સર્વિસ કરી રહ્યા છે. અને એના માટે અમને ચેરિટી પણ અમને લોકોને બધા આપી રહ્યા છે. અત્યારે ઘણા પાસે એવું છે કે એ લોકોને સેવા કરવી છે પણ સમય નથી, તો એ લોકો તરફથી અમને એવું કહેવામાં આવે છે કે અમારા તરફથી તમને કોઈપણ યોગદાન મળી રહેશે, પણ આ સેવા બને એટલા જરૂરિયાતમંદોને મળે એવી અમારી અપેક્ષા છે અને એ અમે પૂરી કરવા જઈ રહ્યા છે. આ સેવા અમારી ઈચ્છા છે કે અવિરતપણે ચાલતી રહે. અને અત્યારે અમારા ટ્રસ્ટમાં અમે 5 જણા જોડાયેલા છે અને એ અમે પૂરી પાડવા માટે આગળ અથાગ પ્રયત્ન કરીશું. અને અમે ભગવાનને પણ પ્રાર્થના કરીએ કે અમે એવું નથી ઈચ્છતા કે દુનિયાના બધા વ્યક્તિઓને જમાડીએ, પણ જેટલા જરૂરિયાતમંદ છે ને અમારાથી જેટલા થઈ શકે એટલાને અમે આ સેવા તન મન ધનથી આપશું. અમે અત્યારે ડુંગરા, ચણોદ અને હરિયાપાકના વિસ્તારમાં આ ચાલુ રાખ્યું છે અને પછી અમારી જેમ સામેથી રિસ્પોન્સ મળશે એ પ્રમાણે અમે આગળ વધતા જશું. અત્યારે અમે એક જ સમયનું ટિફિન બપોરનું જ રાખ્યું છે અને પછી રિક્વાયરમેન્ટ હશે તો અમે સાંજનું ટિફિન પણ ચાલુ કરશું. ખબરોની સમાપ્તિ સે પહેલે એક નજર આજ કી સુર્ખીઓ પર. કપરાડા મેં હુએ સડક હાદસે મેં દો બાઇક ચાલક કી હુઈ દર્દનાક મોત. વાપી મેં શ્રી રામ મંદિર નિર્માણ હેતુ સમર્પણ નિધિ અભિયાન કા હુઆ શુભારંભ. वलसाड के फलतरा गांव में बाइक धोकर पैर धोने गए तो बच्चों की हुई मौत. शंग प्रदेश दमण में भी श्री राम मंदिर निर्माण हेतु समर्पण निधि अभियान का हुआ शुभारंभ. तो ये थे अब तक के दमण न्यूज़. कल नए समाचार, नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे. तब तक किंचल कौर को इजाजत दीजिए. धन्यवाद.